हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि जाति के नाम पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जिस लेवल की राजनीति में उतर चुका है, उस लेवल की राजनीति का एक ही जवाब, और वो जवाब इस देश के कुछ नेता दे रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और वो जवाब है हिंदुत्व की राजनीति जो नरेंद्र मोदी के दौर में बीजेपी ने 10 साल में की है। ये वही राजनीति है जिसमें बीजेपी को 10 साल में कोई टक्कर नहीं दे पाया। आज भले ही कुछ सीटें कम हो गई, भले ही कुछ लोग सोशल मीडिया पर कभी नरेंद्र मोदी को कभी अमित शाह को लेक्चर दे रहे हो, माहौल बना रहे हो कि आप बीजेपी के पुराने वाले तेवर नहीं रह गए, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि जाति की राजनीति पहले भी होती थी और इसका तोड़ नरेंद्र मोदी ने ही हिंदू समाज को एकजुट करके निकाला। नरेंद्र मोदी को वोट मिला था तो जात पात नहीं देखी गई, लेकिन आज जब फिर जाति की राजनीति हावी हो रही है तो फिर से एक बार हिंदू समाज को एकजुट करने वाले राजनीतिक तेवर में बीजेपी आ गई। इस वक्त बीजेपी के 3 फायर ब्रांड मुख्यमंत्री मैदान में उतरे हुए हैं, जिनके बयानों से जाति और वोट बैंक की राजनीति करने वाले तिलमिला रहे हैं। अगर इंडी गठबंधन की कास्ट पॉलिटिक्स का झंडा राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उठाया हुआ है तो बीजेपी की तरफ से उसके 3 दमदार सीएम योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और हिमंता बिस्व शर्मा तीनों हिंदुत्व की राजनीति को धार देने में लगे हुए हैं। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जितना मुखर तरीके से राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स का दांव चल रहे, उतने ही मुखर होकर सीएम योगी, सीएम मोहन यादव और सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ये लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर जितनी आवाज ऊंची कर रहे हैं, उतना ही बीजेपी के इन तीनों सीएम ने हिंदुत्व, हिंदू समाज को एक करने और हिंदू हितों की आवाज ऊंची की। एक बार सुनिए पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के ये तीनों सीएम फायर मोड में कैसे आ चुके हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, कटेंगे तो कटेंगे। अरे अपना लोग के मियां मुसलमान मनो के लिए गुटे हम लोग हमी लोग भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। सावधान, जो खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। हिंदू इज फाइटिंग एंड नो हिंदू इज ट्राइंग टू कम टू इंडिया। अब आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हिंदुत्व पर बीजेपी के इन तीनों सीएम के बयानों से इंडी गठबंधन में खलबली मची। योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव को तो आपने कल सुना था। सबसे ताजा बयान आज असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा का आया है और वो आज विधानसभा में भड़क गए। साफ कह दिया कि वो असम पर मियां मुसलमानों का कब्जा नहीं होने देंगे। असम के सीएम का बयान सुनिए, बड़ी आग लगी है इस बयान के बाद, फिर आपको इस बयान की पूरी कहानी बताता हूं। दरअसल असम की विधानसभा में नाबालिग से रेप के केस में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर असम के सीएम जवाब दे रहे, जिस पर जोरदार हंगामा हो गया। असम के सीएम ने खास तौर पर मियां मुस्लिम का जिक्र करते हुए कहा कि वो उनको असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। सीएम हेमंता ने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाता तो अपराध दर में वृद्धि नहीं होती। जब विपक्ष ने उन पर पक्षपात का आरोप लगाया तो हिमंता बिस्व शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो किसी एक का पक्ष लेंगे, इस पर विपक्ष क्या कर लेगा, बताओ क्या कर लोगे। ये इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेसी उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच सुन लीजिए, जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक मुसलमान हिंदू पर अत्याचार करता है और वहां के स्थानीय विपक्ष के विधायक पीड़ित परिवारजनों से मिलते भी नहीं लेकिन उनके मंत्री पीड़ित से मिलने जाते हैं, ये हिमंता ने कहा। हिमंता ने जोर देकर कहा कि लोअर असम से लोग अपर असम क्यों जाएंगे, ताकि मियां मुसलमान असम पर कब्जा कर सकें। हिमंता ने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब मियां मुस्लिम से हिमंता बिस्व शर्मा का मतलब क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए। असम में बीजेपी सरकार बंगाली बोलने वाले मियां मुस्लिम और असमिया भाषा बोलने वाले स्वदेशी असमिया मुसलमान को अलग अलग मानती है। ऐसा माना जाता है कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान से आए हैं और ये मूल रूप से असम के नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे इनकी संख्या असम में इतनी बढ़ गई कि अब असम की 126 में से 30 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में।
पिछले साल ही बीजेपी सरकार ने राज्य के स्वदेशी मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जानने के लिए सर्वे कराने की बात कही। असम में मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक बड़ा मुद्दा है। आरोप लगते हैं कि बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पड़ोसी देश से मुस्लिम असम में आते हैं और यहां बस जाते हैं। असम में मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने इन्हें अपना बड़ा वोट बैंक बना लिया है। हिमंत बिस्व शर्मा की सरकार इसी पर फिल्टर लगाने की बात कहती है ताकि भारतीय मुसलमानों को बाहरी से अलग किया जा सके, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति बताता है और आरोप लगाता है कि बीजेपी मुसलमानों को ही आपस में बांट रही है। असम में बदलती डेमोग्राफी और मुस्लिम आबादी को सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। हिमंत बिस्व शर्मा का दावा है कि 2041 तक असम में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। हिमंता का आरोप है कि असम के जनसंख्यकी को बदलने के लिए और स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक बनाने के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अतिक्रमण चल रहा है। हिमंता का दावा है कि राज्य में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं वो भी अतिक्रमण की रणनीति का हिस्सा है। असम के सीएम का दावा है कि एक खास पैटर्न पर राज्य में लैंड जिहाद चल रहा है। एक गांव पहले दो या तीन लोग आकर वहां बसते हैं, वो गांव में गाय काटकर खाने लगते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरे समुदाय परेशान होकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। ये असम के सीएम दावा कर रहे हैं। हिमंत बिस्व शर्मा का दावा है कि वो असम में बदलती डेमोग्राफी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे उनके परिवार की जान को भी खतरा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाले। सुनिए हिमंत बिस्व शर्मा ने क्या क्या बताया। मैं क्या कर पाता हूँ, लोग तो माइनॉरिटी बनी रहा है, अभी लैंड लॉस कुछ लाया हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए एक कैंडल होता है वो तो शुरू नहीं हो सकता है ना, मैं खुद जल सकता हूँ और जब तक जल के खत्म नहीं होता हूँ तब तक रोशनी दे सकता हूँ, लेकिन मैं तो कभी शुरू तो नहीं हो सकता हूँ ना। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ, काफी उसके लिए चैलेंजेस भी है, तकलीफ भी है, प्राइवेट पर्सनल काफी तकलीफ है उसके लिए। मैं मेरा फैमिली सबको गाली देता है लोग, अपना भी तकलीफ हो रहा है लेकिन सहन रहा हूं। हिमंता बिस्व शर्मा की तरह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुखर होकर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। बांग्लादेश की बात करते हुए सीएम योगी ने देश के हिंदुओं से कड़वे शब्दों में साफ साफ कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के इस बयान पर विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने बयान पर कायम है। उनको वो अनअपोलोजेटिक है, उनको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनको लग रहा कि भाई हिंदू को बांटने का प्रयास हो रहा और बटेंगे तो दिक्कत होगी। सुनिए योगी ने क्या कहा था जिस पर बड़ी आग लगी हुई। राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम योगी कह रहे हैं कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, तो एमपी के सीएम कह रहे हैं कि देश में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। जन्माष्टमी के मौके पर मोहन यादव ने क्या कहा था वो भी आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि ये सारी बातें विपक्ष के खेमे में तो हड़कंप मचा रही, लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग ये कह रहा है कि ये बीजेपी की वो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है जिसने लोगों को बीजेपी से जोड़ा था। और आज बीजेपी के कई मुख्यमंत्री हिमंता, योगी और मोहन यादव खुलकर उसी हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। एक बार उनका बयान सुनिए, फिर इस बयान पर ओवैसी क्या कह रहे हैं वो भी सुनाता हूं। रहीम रसखान यहां की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं, लेकिन सावधान, जो यहां का खाता है और कहीं और का बजाता है ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। मोहन यादव के इस बयान पर भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो उनके बयान से भड़के हुए हैं। सुनिए ओवैसी को। उनके बाप का तो नहीं खाते हम देश का है
देश हमारा है, अब वो ना किसी के घर से दे रहे हैं ना किसको कर रहे हैं। अब ये वो बता दें कि 10 साल में इस देश के 5% जनता के पास 60% दौलत कैसे आ गई, कैसे आगे बताइए। संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो आप तो सिर्फ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट को ही खिला रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा मैल नरिश स्टंटेड बच्चे भारत में हैं? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि करोड़ों लोग इस देश में भूखे सोते हैं? ओवैसी जैसे नेताओं की तिलमिलाहट से साफ है कि बीजेपी का तीर निशाने पर लगा है। वैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ इन दिनों एमपी के सीएम की भी खूब चर्चा हो रही है। जैसे यूपी में योगी का बुलडोजर गरजता है, वैसे एमपी में मोहन यादव भी बुलडोजर मॉडल को पकड़े हुए हैं। बीजेपी के ये दोनों सीएम हिंदुत्व के अलावा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि पाकिस्तान या तो खत्म हो जाएगा या उसका भारत में विलय हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के सीएम ने कह दिया कि आज नहीं तो कल काबुल भी हमारा होगा। सुनिए दोनों मुख्यमंत्री। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले उद्घोषणा की थी, आजादी की त्रासदी, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। और मुझे जब बताया गया कि 60 से ज्यादा देशों पर हमारा अपना यहाँ का कृषि उत्पाद काबुली चना जाता है, काबुली नाम भले काबुल से होगा लेकिन वो तो इंदौरी चना है, हमारे लिए आनंद है इस बात का। लेकिन नाम काबुली तो काबुली हमारा है, आज में तो कल काबुल हमारा होगा, हमको क्या तकलीफ है। और पाठशाला में अब अगली क्लास। 8 आदमखोर भेड़िए और 8 मौत। यूपी में भेड़ियों का ऐसा खौफ जो कभी देखा ना होगा। छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं भेड़िए और फिर लाश मिलती है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए बना प्लान, लेकिन फिर भी भेड़िए गायब क्यों हो जा रहे हैं और पकड़ में नहीं आ रहे, जरा देखिए, बड़ी अजीब सी खबर है।